रमजान के वक्त यहाँ पे स्पेशल मेन्यू है, जो बहुत अच्छी बात है। इतने सारे फोन प्रिंस के लोगों के मेरे पास आ रहे हैं कि प्रिंस का पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं पता चल रहा क्या करूँ मैं। आराम से मैं फिलहाल वेट कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा दिमाग घूमना शुरू हो गया, थोड़ा टेंशन हो रही है। Hi. Waking up in the flower bed, the sun is up. Thank you, Babu. Garam. Thank you. Joe sir. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, main aa gaya. Thank you. Prince is back and either event aa gaya ab. He's back from his event aur yahan chal raha hai breakfast. Main proper breakfast kar lu aane wala kyunki mere trial hai aaj. कहीं मैं जा रहा हूँ, वो आपको बाद में ये भी अपना बता। प्रिंस इज लीविंग अगेन, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहाँ अगेन? yes. आपको पता चल जाएगा, बहुत मजा आएगा जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, खुशी होगी आपको। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एग्जैक्टली तो यहाँ खाया जा रहा है दाल पालक डोसा एंड थैंक यू। चले खाइए अच्छे से, इंजॉय करिए। वी आर बैक, मैं बना के और लेके आता हूँ। ये कुरियर है गोगो के लिए, और गोगो के लिए देखते हैं आज ये क्या आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो उसके लिए जरूरत पड़ रही थी, दिस इज द बैग जिसमें हमारा गोगो फिट होने वाला है। और चलिए जब मैं घर जाऊंगी इसको लेके, देखते हैं कि इसमें कितना एंजॉय करता है बाहर घूमने के लिए, बिकॉज हम इसको मॉल वॉल नहीं ले जा पाते हैं। तो आई विश आप इसके अंदर शायद वो मॉल में जा सके। Let's see. Hello everyone, how are you all? आपने देखा ब्रेकफास्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है। मेरे सामने इसलिए नहीं आई थी बिकॉज मैं बिजी थी कुकिंग करने में। एंड आज मैंने ट्राई किया मूंग दाल डोसा, इट वॉज सो यम्मी, आई एम सो हैप्पी। प्रिंस ने बहुत अच्छे से खुश होकर खाया है, मैंने खुद नहीं ट्राई किया अभी तक, आई हैव इट इन द इवनिंग। बट अगर आपको रेसिपी जाननी है, अगर आपको देख के अच्छा लगा, देखने में इतना अच्छा नहीं था, बट आई लाइक इट कि आज मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया उसको, पेपर डोसा। एंड वो सो लाइट एंड हेल्दी, उसके अंदर था पालक, कुछ भी नहीं, दो तीन चीजें थी। एंड वो सो नाइस, इफ यू रियली लाइक इट सो लेट मी नो, आई मैं एक बार और बनाऊंगी आप लोगों के लिए, मैं सिखाऊंगी कैसे बनता है। मेरा टेस्ट करना बाकी है, आई होप रात तक मैं वापस आऊंगा, मैं खुद बना के खा के बनकर बताऊंगी कैसा बना है। बट आई लाइक इट बिकॉज प्रिंस ने तसल्ली से खाया, वो मेरे लिए एक अच्छा रिजल्ट है, राधर देन सेइंग यू वाओ वाओ। सो इसलिए मैं पूछती रही हूँ, मेरे लिए ये रिजल्ट काफी रहता है कि सामने वाला पेपर के खा रहा है, इसका मतलब अच्छे से खाना बना है। सो आई एम रेडी नाउ, आई एम गोइंग टू शूट, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर, नीचे जाके अच्छे से जाके शूट वूट करने वाली हूँ। मेरा आज का लुक ये है, सो गाइस मैं अभी हूँ एक अपनी नई साइट के साथ, जहाँ पे आप मेरी जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं, जितने भी नॉर्मल कपड़े हैं, नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड हर तरह के कपड़े, मैं आप वहाँ पे ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सो यू कैन जस्ट गो एंड बाय माय कलेक्शन फ्रॉम देयर। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों को आई एम गोना गिफ्ट, जो मेरी खुद के फैन फैमिलीज हैं उनको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भी करने वाली हूँ। एंड बहुत जल्द ही इसी के ऊपर मैं आई थिंक पूरा यूट्यूब प्रॉपर ब्लॉग बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको अपने पूरी वॉर्डरोब दिखाने के बाद कुछ चीजें आप लोगों को अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगी। लेकिन उसके अलावा जो मैं कर रही हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कपड़े मैंने नहीं पहने या फिर एक बार पहने, जो मेरे शूज नहीं पहने, एवरीथिंग इन माई वॉर्डरोब, इट इज ऑल अवेलेबल फॉर द सेल इन अ वेरी वेरी लो प्राइजेस। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू बाय एनीथिंग, प्लीज गो एंड चेक इट आउट एंड यू कैन बाय। एंड ऑफकोर्स इनिशियली आई एम गोना गिफ्ट यू ऑल, शुरू में तो मुझे गिफ्ट करना है क्योंकि आप इतने सारे प्यार मुझे देते हैं। तो वो पेज का नाम क्या होगा, सब कुछ सारी डिटेल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। जाइए मेरे नए पेज को एंजॉय कीजिए। एंड आई मेक फॉर द शूट, जैसे कि ये ड्रेस, दिस इज अ ज़ारा ड्रेस, और इफ यू रियली लाइक दिस ड्रेस यू कैन टेक इट। यस, आई एम फीलिंग सो नाइस गाइस, आई कांट टेल यू बिकॉज क्लब हाउस आई थिंक इट्स ओपन टुडे, सो लेट्स गो। आई एम शाउटिंग आई नो बिकॉज मेरा जो माइक है वो चार्जिंग पे है, वो शुभ मुहूर्त कब आएगा
मुझे खुद नहीं पता, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, फोन साथ में लेके चलती हूँ और माइक भूल जाती हूँ। एनीवेज कम विद मी, आई विल शो यू माय क्लब हाउस अगेन विद न्यू मेन्यू, आई होप सो, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने उनसे पूछा था आपके पास नया मेन्यू आया नहीं आया, सो ये सब कि हम लोग आने वाले हैं कुछ और मेन्यू के साथ, उनके पास लिमिटेड मेन्यू था, सो लेट्स गो। मुझे लगा कुछ नया मेन्यू आएगा, ये सेम मेन्यू है। और आपके इफ्तार बॉक्स में क्या है? इफ्तार बॉक्स में देखिए, ये वेज का ऑप्शन है, ये नॉनवेज का ऑप्शन है। ओके, क्यों ना आज हम इफ्तार बॉक्स खाएं, अगर कुछ अलग लगा तो, अगर सेम चीज रही तो वहाँ पे तो कोई फायदा नहीं। तो मैंने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर लिया है जो बाहर से आ रहा है। मैंने ले लिया मेन्यू जो एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है, क्योंकि रमजान के वक्त यहाँ पे स्पेशल मेन्यू है, जो बहुत अच्छी बात है, बट वही बात यह है कि एक दिन पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है। यहाँ तो मैं देख के अच्छा खासा रमजान का मेन्यू ऑर्डर करना शुरू कर दिया था कि यार आज तो मतलब मजा आ जाएगा। और कोई बात नहीं, और कुछ नहीं, थैंक यू। तो ये था हमारा क्लब हाउस बी, क्लब बी, एंड या अब चलते हम घर की तरफ। सी यू देयर। Hi guys, well I'm back home और मैं शाम से प्रिंस को फोन लगा रही हूँ, प्रिंस फोन नहीं उठा रहा है, प्रिंस का फोन डेड हो गया है। इतने सारे फोन प्रिंस के लोगों के मेरे पास आ रहे हैं कि प्रिंस का पता नहीं कहाँ है, एंड फोन इज आपके साथ हो तो प्लीज़ बात करा दो। तो मैंने कहा नहीं, ही इज़ ए होम, ही स्लीपिंग, एंड फोन डेड हो गया तो ऑफकोर्स वो उठेगा, फ़ोन चार्ज करेगा तो आपसे बात कर लेगा। मैं जैसे उससे बात करती हूँ आपको बताती हूँ। हम दोनों की मीटिंग भी लाइंड अप थी गाइज, वो मीटिंग नहीं हो पाई बिकॉज प्रिंस का होना ज़रूरी था मीटिंग में। एक मीटिंग थी जिसमें मैं मैनेज कर सकती थी, वो मैंने कर ली, उसमें भी प्रिंस का होना ज़रूरी था। इस वक्त रात के 1 बजे हैं, मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ, ही स्टिल स्लीपिंग, ही इज़ नॉट पिकिंग अप द फोन बिकॉज फ़ोन डेड है, वो अभी तक उठा नहीं है। मैं आई हूँ ना, मेरे पास घर की चाबी है, घर की चाबी अंदर है, तो मैंने लकीली शायद एक चाबी घर पे रखी हुई है शायद, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला अगर आपको चाबी मिले तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं एक बंदे को भेज रही हूँ कोरियर वाले, वो प्लीज़ वहाँ से चाबी उठाए, अगर मिलती है तो मुझे ला के वापस दे। आई कॉन्ट बिलीव दिस गाइज, लाइक सीरियसली मैं शाम से स्ट्रगल कर रही हूँ, अब मीटिंग चल रही है, साइड में फ़ोन चल रहा है, यार अभी भी फ़ोन नहीं लग रहा है उसका, अभी भी फ़ोन डेड पड़ा है। अब मुझे स्ट्रेस भी हो रहा है, एक बार अंदर जाऊँ, एक बार देख लूँ उसको अच्छे से, और ट्राई करती हूँ रिंग। One eternity later. गाइस मुझे 1 घंटा हो गया है, घर पे चाबी नहीं मिल रही है, लेट्स सी। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, जैसे चाबी मिले तो प्लीज़ आप भेज देना,
नहीं, और एक और घंटा जाएगा तो मुझे लग रहा है मैं शायद मैं खुद ही चली जाती हूँ घर, चेक करके आती हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता है, आई हैव नो आइडिया। एक बार अब मुझे या तो मैं किसी ताले वाले को बुलाऊँगी, कीज अपना की मेकर होगा, ताला तोड़ेगा, कुछ नहीं पता चल रहा क्या करूँ मैं। आराम से मैं फ़िलहाल वेट कर रही हूँ, काफ़ी बेल इतनी बार रिंग कर रही हूँ, अभी तक उसने नहीं उठाया, और अब मेरा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आई विल वेट मोर हाफ एन आवर, अगर नहीं कुछ होता है तो मुझे बुलाना पड़ेगा, रात का टाइम हो गया, इतनी रात में कौन आएगा कौन नहीं, आई हैव नो आइडिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक तो आई वॉज लाइक टेकिंग लाइटली, ब्लॉग वगैरह में शूट कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा दिमाग घूमना शुरू हो गया, थोड़ा टेंशन हो रही है। लेट्स सी, उसे कनेक्ट करती हूँ, एंड यस, बिकॉज अभी आई विल नॉट बी एबल टू मेक व्लॉग, मुझे कुछ करना पड़ेगा तो मैं निकलती हूँ। लेट्स सी, सो गाइस आपसे मिलती हूँ मैं घर के अंदर, एंड फिर कनेक्ट करते हैं, बिकॉज अभी कब से मैं यहाँ बेल को रिंग कर करके मैं नीचे ही आगे बैठ गई थी कि शायद आएगा, चाबी मिल जाएगी, सो लेट मी सी, अगर चाबी नहीं मिलती तो मैं चाबी उसको लॉक करवाना पड़ेगा। सो आई विल सी यू इन सम टाइम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस घर खुल चुका है, भाई मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेवा उठना जरा, उठो, तुमने जो मेरी बैंड बजाई है ना, यू नो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, आधी रात हो रही है बेबा, आपका फोन डेड पड़ा है, आपको कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको फोन कर रही हूँ और हालत खराब, आपने फोन नहीं उठाया, मैं बाहर से बेल बजा रही हूँ, एक घंटे से बाहर बैठी हूँ, शुक्र मनाओ दरवाजा खुल गया, मैं इतनी बेल बजा रही हूँ। बेबा ऐसा हार्ट अटैक मत दिया करो यार, मेरे को ये था मैं गुस्सा करूँगी आपको बहुत ज्यादा, इससे पता चल रहा है यू हैव नॉट स्लेप्ट सिंस सो मेनी डेज, सो जाओ आप, मेरी हालत खराब हो गई थी। कुछ खाओगे? कुछ खाऊंगा, भूख लगी है। भूख लगी है? मेरी हार्ट बीट बेबा, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या हालत हुई है मेरी। मैं वेट करते करते एक पॉइंट पे मैंने वीडियो में ये बोला है, व्लॉगिंग कर रही थी, मैंने कहा चल खुल जाएगा, चाबी ना मिल के दे, मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसे कहते हैं हालत ख़राब कर देना। अब मन कर रही खींचो, हैं क्या खाओगे? कुछ बच क्या, जब सबको बाय बोल दो, बाय गाइस, हाँ चले गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ये घंटे मुझे, इतने घंटे मुझे स्ट्रगल करना ही था इसी बात पे, लव यू, टेक केयर, बाय। अब मैं इसकी अच्छे से क्लास लेने वाली हूँ, बहुत अच्छे से, टेक केयर गाइस, लव यू।